मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू डू पिक्चर कॉम्पोजिशन. ओके, इन पिक्चर कॉम्पोजिशन यू हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड यू हैव टू राइट सम सेंटेंसेस अबाउट दिस पिक्चर. कि पिक्चर कॉम्पोजिशन में आपको क्या करना होता है, आपको ध्यान से पिक्चर को देखना है और उसके बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं. ओके, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी so many things. Try to write the naming words. सबसे पहले आप naming words find out करिए कि इस picture में क्या क्या है. Like here is a bus, here is a dog, here is a ball, here is a bicycle, so many cars, boys, girls, man, trees, a road. So you can see so many things in this picture. So first of all, write out the name of the things that you can see in this picture, like ball, bus, cars, kite, trees, boys, girl, road, bicycle, dog. So many things you can see in this picture. तो आप उन pictures के जो भी उस picture में आप चीज़ें देख रहे हैं उनके एक बार नाम लिख लीजिए. उसके बाद जब आपको sentences बनाने हैं, okay? जब आपको सेंटेंस बनाने हैं तो आप इसको स्टार्ट करेंगे देयर से. ओके, स्टार्ट दी सेंटेंसेस विद देयर. अगर यहाँ पे एक चीज है तो आप इज लगाएंगे. जैसे आपको पता है इज इज यूज्ड विद सिंगुलर थिंग्स, ठीक है. और अगर बहुत सारी है तो आप आर लगाएंगे. जैसे आप लिखेंगे देयर इज अ बॉल, देयर इज अ बस. तो आपने सेंटेंस देयर से बनाने हैं, ये आपने ध्यान रखना है. देयर इज अ रोड, देयर इज अ डॉग, देयर इज अ बाइसिकल, देयर इज अ काइट. तो इस तरह से आप देयर से सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे. फिर उसमें अगर बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी चीज हैं, सो यू कैन राइट देयर आर ट्रीज. क्योंकि ये बहुत सारे हैं इसलिए हम इसमें आर यूज करते हैं और साथ में हम एस लगाएंगे. देयर आर ट्रीज, देयर आर गर्ल्स, देयर आर बॉयज, देयर आर कार्स. सो इन दिस वे यू विल यू कैन राइट सो मैनी सेंटेंसेस. ओके, उसके बाद आप कलर डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड लिख सकते हैं. लाइक बस इज रेड, ओके, रोड इज ब्लैक, डॉग इज ब्लैक, बॉल इज ब्लैक एंड वाइट. इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब द थिंग्स. और यू कैन राइट बस इज बिग, कार इज स्मॉल, काइट इज बिग. तो आप बिग स्मॉल इस तरह के वर्ड यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं. उसके बाद आप एक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक बॉयज आर प्लेइंग, अ बॉय इज साइकिलिंग, अ मैन इज वॉकिंग, अ बॉय इज फ्लाइंग द काइट. तो इस तरह से आपने पिक्चर कॉम्पोजिशन करना है. तो सभी बच्चे इस पिक्चर कॉम्पोजिशन को अपने आप ट्राई करेंगे. नेक्स्ट वीक आपका जो है पिक्चर कॉम्पोजिशन का टेस्ट होगा, ठीक है. थैंक यू.